इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां दो डॉक्टर समेत एक अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी कर अस्पताल प्रबंधन से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, महिला की मौत के बाद जांच के घेरे में सभी लोग आ चुके हैं और अस्पताल को और दो डॉक्टर को नोटिस जारी किया गया है। की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां पर ये नोटिस जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। ये एक महिला की मौत का मामला था, जिसके बाद अब जांच के घेरे में सभी लोग आ गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर दो डॉक्टर समेत एक अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। महिला की मौत के मामले के बाद जांच के घेरे में सभी लोग आ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि नोटिस जारी कर अस्पताल प्रबंधन से भी इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दुर्ग से सामने आ रही है, जहां अस्पताल प्रबंधन को तो नोटिस जारी किया है, साथ ही दो डॉक्टर से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला की मौत का ये मामला है, जिसके बाद से सभी लोग जांच के घेरे में आ गए हैं और लगातार इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और जवाब भी तलब किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां महिला की मौत के मामले में दो डॉक्टर समेत एक अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इस अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है और इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन से जवाब भी मांगा गया है और स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इस मामले के होने के बाद से ही जांच के घेरे में सभी लोग आ चुके हैं और लगातार इस मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है। ये अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ दो डॉक्टर से भी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दुर्ग से संवाददाता संध्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। संध्या, ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि जब से महिला की मौत हुई है तब से जांच के घेरे में सभी लोग आ गए हैं, ये पूरा मामला क्या है और अब इस मामले में किससे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है? जी, विगत दिनों दुर्ग स्थित आरोग्य अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसका प्रसव हुआ था जूनानी से शंकराचार्य अस्पताल मेडिकल कॉलेज में। यहाँ से रेफर करके उसको नेफ्रो की प्रॉब्लम बता करके आरोग्य में अस्पताल भेजा गया, जहाँ उस औरत की इलाज के दौरान मौत हो गई। और उसके बाद यहीं से एक डॉक्टर है बलजीत, जो उनके इलाज के लिए शंकराचार्य अस्पताल से कहने पे, प्रबंधन के कहने पे, ऐसा डॉक्टर बलजीत कौर का कहना है, उन्होंने वो आरोग्य में अस्पताल गए, इसकी जांच करी इसी मामले को लेकर, जिसके बाद प्रसूता की मौत हो गई। और इसी मामले को लेकर के शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सहित जो जांच करने डॉक्टर गई थी बलजीत, उनको नोटिस जारी किया गया है। वहीं जिला अस्पताल में एक पदस्थ डॉक्टर है जो संविदा पर है, जिनकी सैलरी लाखों में बताई जा रही है, उसके साथ ही वो आरोग्य में भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। इन सबको लेकर के दुर्ग जिला नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला के द्वारा ये पूरा नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। जी आकांक्षा। वहीं संध्या, अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें क्या जानकारियां सामने आई है, या यूं कहें कि जो महिला के परिजन हैं उनसे बातचीत में क्या कुछ अहम जानकारी सामने आई है? ये मामला है थोड़ा पुराना है, इसके लिए पहले आरोग्य में अस्पताल जो रहा है, जो शुरू से जब से अपने संचालन से शुरू हुआ है, जब से वो विवादों में घिरा रहा है, कहीं ना कहीं आए दिन उसको नोटिस, और वहाँ का अभी विगत दिनों ही वहाँ के लापरवाही रवैये को देखते हुए दुर्ग जिला नोडल अधिकारी के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से एक राज्य शासन को पत्र प्रेषित किया गया था। आरोग्य में अस्पताल के आयुष्मान कार्ड से इलाज करने की सुविधा को भी बंद कर दिया गया, तो लगातार वहाँ लापरवाहियां देखी जा रही है। और इसी के कड़ी में ये प्रसूता की मौत के बाद ये दूसरा मामला, और ऐसे कई बहुत सारे मामले जिसको लेकर के आरोग्य में लगातार विवादों के घेरे में है और लगातार उस पर कार्रवाई जारी है। जी आकांक्षा। ठीक है संध्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो साथ ही आपको बता दें कि लगातार दुर्ग में ये इस हॉस्पिटल पर लापरवाही के मामले सामने आए हैं और कहीं ना कहीं ये जो महिला की मौत का मामला है इसमें भी अब जांच जारी है और दो डॉक्टर समेत एक अस्पताल प्रबंधन को इस मामले को लेकर नोटिस भी जारी किया गया है और लगातार इस मामले में जांच जारी है।